फ्रेंड्स फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद पूरा घास सबको हम सफा कर दिए हैं, पूरा निकाल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी इधर आ गए हम बगान तरफ, कुछ काम है। तो वो क्या काम है अब ब्लॉग पूरा देखिए, आपको पता चलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं क्या वो काम है, क्या हम करने आए हैं, ठीक ना? तो ब्लॉग आप देखते रहिए। चलिए दोस्तों आप सबको दिखाते हैं वो क्या काम है, हम क्या करने आए हैं। बगान बारी तरफ तो पहुंच गए हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। अब ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्याज गाछी। तो ये गाछी सब मेरा ही है, ये तीन खेत है तो तीन खेत गाछी सब मेरा ही है। तो यहाँ पर घास हो गया है तो जिसके कारण ये प्याज गाछी सब बढ़िया से बढ़ नहीं पा रहा है। तो यही वाला आज निकाएंगे, घास सबको आज निकाएंगे। यहाँ तीन खेत है तो मम्मी ये दोनों निकाल लिए, तो सिर्फ ये वाला बचा हुआ है। तो देखिए प्याज गाछी के साथ साथ ये जो ये सब दिख रहा होगा यही सबको निकालना है, यही सबको साफ़ करना है। तो ब्लॉग आप देखते रहिए, हम जल्दी जल्दी से साफ़ करते हैं। सिर्फ़ एक ही खेत बचा हुआ है, घास हो जाने के कारण बढ़िया से ये बढ़ नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं मेरा बात को? तो जल्दी जल्दी से हम इसको निकालते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद पूरा घास सबको हम सफ़ा कर दिए हैं, पूरा निकाल दिए हैं। हाँ तो फाइनली दोस्तों पूरा प्याज गाछी में जितना घास सब था तो पूरा ख़त्म कर दिए हैं, मतलब पूरा सफ़ा कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। जो उसके साथ जो निकला हुआ था घास सब, जो हमको मतलब मेन काम था, वो पूरा हो गया है। तो बहुत मुश्किल से किए, बहुत मेहनत लगा, पूरा बैठे बैठे पूरा दर्द देने लगा पैर सब। तो बहुत मेहनत का काम था, बहुत मेहनत से काम किए, तो काम ख़त्म हो गया है, बहुत टाइम लगा। तो अब जा रहे हैं हम घर, अब दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम क्या, मेरा रोज़ दिन का काम जो है अब बकरी सब खोलेंगे, उधर चराने ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, आपको कुछ नया दिखाने का कोशिश करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा गाँव देहात का ब्लॉग तो रहेगा ही, ठीक ना? तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।